सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया कि सैमसंग गैलेक्सी M13 5G आप लोगों को 5 जुलाई को लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा और सैमसंग गैलेक्सी M13 5G सैमसंग का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग बताया जा रहा है कि सैमसंग 15,000 से नीचे रखने वाला है। और 15,000 के नीचे सैमसंग के स्मार्टफोन में 5G और अगर ये ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा लोगों के लिए और क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G के बारे में कि इस स्मार्टफोन में सैमसंग आप लोगों को क्या क्या फीचर्स दे रहा है और प्राइसिंग अराउंड क्या हो सकता है, सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसकी स्टार्टिंग प्राइस तो बताया जा रहा है कि शायद आप लोगों को 13,000 रुपये से स्टार्ट होगा, 4GB 64GB और 6GB 128GB आप लोगों को मिलेगा 15,000 रुपये में। और मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट में इससे पहले था सैमसंग का F23, लेकिन उसकी प्राइसिंग 15-16,000 रुपीज़ है, लेकिन उससे भी सस्ता आएगा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G जिसकी प्राइसिंग 13,000 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो फ़ोन में सैमसंग यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा 6.6 इंचेस का एक फुल HD TFT डिस्प्ले, यहाँ पर आप लोगों को फुल HD का रेजोल्यूशन मिल रहा है और साथ में TFT IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। मीडियाटेक का डायमंडसिटी 700 वाला SoC आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, 4GB 64GB और 6GB 128GB का ऑप्शन आप लोगों को मिलने वाला है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का। तो नो डाउट इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग अभी 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सेल्फी के लिए आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो इसमें सैमसंग ने बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया है, एटलीस्ट 13 या फिर 8 मेगापिक्सल का कैमरा देना चाहिए था, लेकिन 5 मेगापिक्सल का कैमरा जब लोग सुनते हैं ना तो थोड़ा वो वहाँ पर लगता है कि शायद इससे ऊपर यहाँ पर जा सकते थे। साइड माउंटेन का फिंगरप्रिंट का स्कैनर होगा, एंड्रॉयड का 12 मिलेगा, सैमसंग के वन UI कोड मिलेगा 4.1 के साथ, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 5G होगा, 5G कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी मिलेगा और 15W का आप लोगों को चार्जर मिलेगा Type-C। ओवरऑल फोन का जो डिज़ाइन है ये बेसिकली F23 की तरह आप लोग बोल सकते हैं कि कलर्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, एक सिल्वर कलर मिल रहा है, फिर ग्रीन कलर है, एक ऑरेंज कलर का है, तो ओवरऑल कलर यहाँ पर सैमसंग काफ़ी अच्छा दे रहा है और लोगों को कलर में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आएगा नहीं। और 2022 में सैमसंग फ़ोन के डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग फ़ोन को देखिएगा तो सच में फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा है और ये आई कैचिंग है, मतलब एट्रैक्टिव लगता है कि हाँ कोई अच्छा स्मार्टफोन हम लोग अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G मेरे ख्याल से डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है, लोगों को उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। बेसिकली प्राइसिंग मेन फैक्टर आता है, क्योंकि 13,000 रुपीज़ में सैमसंग 5G प्रोवाइड करेगा तो लोगों को पसंद आएगा ही, और सैमसंग का ब्रांड वैल्यू है, आफ्टर सेल सर्विस है, जिस तरह सैमसंग का कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, सैमसंग पे मिलेगा और भी कुछ जो सैमसंग के एडिशनल फीचर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, नॉक्स सिक्योरिटी मिल रहा है, तो एक भरोसा बन जाता है। और डेफिनेटली मेरे ख्याल से 13,000 रुपीज़ में अगर इतने सारा फीचर सैमसंग दे रहा है तो मतलब एक्सेप्टेबल है, लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा और पसंद भी करेंगे कि हाँ हमें एक बैलेंस स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल होते होंगे आपके मन में, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, आपका पर्सनल फ़ोन, कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं, कोई फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं भी जब फ्री होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा और M13 5G के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।